हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग, वो चैप्टर जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे और जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट थी, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपका वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग दोनों साथ साथ चलते रहे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और कैपिटल बजटिंग को भी आसान बनाते हैं। कैपिटल बजटिंग, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसका नाम कैपिटल बजटिंग क्यों पड़ा, और हमारे बुक में तो कैपिटल बजटिंग की जगह चैप्टर का नाम इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो कदम पीछे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, FM, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वन डिविडेंड डिसीजंस। सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, और पैसा नहीं, बहुत बहुत सारा पैसा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा और वो हमें कितने का पड़ेगा, ठीक है। हम पैसा कहाँ से लाए, डेट से लाए, इक्विटी से लेके आए, ठीक है। तो पैसा कहाँ से लाएगा और वो कितने कितने का पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन में। ये सारे डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि ये सारे डिसीजन आर दी रिलेटेड टू फाइनेंस। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक बार पैसा तो आ गया, अब पैसा हम क्यों लेकर आए, क्या घर में रखने के लिए, नहीं, उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो पैसों को अच्छे से अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उन डिसीजंस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये मेनली हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे रिटर्न ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने कर लिए जहाँ पर हमें रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, जो रिटर्न आएंगे उनको भी तो हमें बांटना है शेयर होल्डर्स में, अपने पास तो रखना नहीं रिटर्न, तो उनको हमें कहाँ बांटना होता है, शेयर होल्डर्स पर। तो क्या वो रिटर्न बांटने चाहिए या फिर अपने पास रखने चाहिए, यानी कि अगर हम बांटेंगे तो वो हो गए डिविडेंड, और अगर हम अपने पास रखते हैं तो वो हो गए रिटेन अर्निंग। तो क्या हमें उसे बांटना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए, इन डिसीजंस को बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। और ये तीनों किसके फंक्शन से, आपके FM के। तभी तो हम सारे के सारे ये चैप्टर्स किस में पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। इतना समझ में आया, सबसे पहले पैसा आया और जो पैसे की कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हमने उस पैसे को लगाया, कहाँ पर लगाना चाहिए कहाँ पर नहीं, और उससे जो रिटर्न्स आएंगे उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जो रिटर्न्स आते हैं उनको बांटना चाहिए या नहीं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और थर्ड डिविडेंड डिसीजन, थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। अब बात आती है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग और कुछ नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ही दूसरा नाम है। तो चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बुलाओ, चाहो तो इस चैप्टर को कैपिटल बजटिंग बुलाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका नाम कैपिटल बजटिंग कैसे पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये नाम तो समझ में आता है, कैपिटल बजटिंग इसका नाम कैसे पड़ा। तो इसके लिए एक सिंपल सी छोटी सी बात, जैसे आपको पता होगा कि आप लोगों को, हम लोगों को, हर किसी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है और इसे अच्छे से खर्च करना, ठीक है, फालतू खर्चे ना किए जाए। और इसके लिए हमारे घर में भी बनता है क्या, बजट।
बनता है कि नहीं, ये सब क्यों बनता है, ताकि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। उसी तरीके से जब मैंने आपको फाइनेंसिंग डिसीजन बताया तो मैंने आपको ये बताया कि बाहर से जब हम पैसा उठाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है और उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहाँ से अगर हम एक रुपया भी उठाते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। तो हमें एक एक रुपए को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग। इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बजटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। या भी हम क्या करते हैं, बजटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, किसके लिए, फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात, कैपिटल बजटिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए जो इस वीडियो से स्टार्टिंग में चल रहे थे, कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है वो सीख गए आप। दूसरी चीज, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम आप चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल सकते हो या फिर कैपिटल बजटिंग, वो उसका दूसरा ही नाम है। तीसरा, कैपिटल बजटिंग इसका नाम क्यों पड़ा, वो भी हमने अभी सीख लिया, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, बजटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, किसके लिए, फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आ गए होंगे। तो अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। थोड़ा सा इंट्रो देना था, 2 कदम पीछे गए थे जिससे कि 4 कदम और आगे बढ़े। तो चलो फटाफट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। ABC लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ डेप्रिसिएबल बेस 1 लाख, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर। तो 1 लाख का हो गया हमारा प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक लाइफ एक्सपेक्टेड कितनी है, 4 साल। ठीक है, तो अगर SLM से लगाए तो सादा सादा पता चल रहा है कि 4 साल चलेगी 1 लाख की, यानी कि हर महीने कितना, 25,000। ठीक है, अगर SLM से लगाया तो आगे बढ़ते हैं। एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें अभी टैक्स और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ईयर 1 का है 45,000, ईयर 2 का है 30,000, ईयर 3 का है 25,000 और ईयर 4 का है 35,000। अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, SLM बोल दिया उन्होंने, तो सिंपल सी बात है हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 25,000 ईच ईयर। एंड अ 20% टैक्स रेट भी हमें दे रखी है 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलेवेंट कैश फ्लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ क्या करना है, कैश फ्लो को कंप्यूट करना है। तो आ जाओ कॉपी पर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 चैप्टर का नाम जरूर डाल देना, क्योंकि शुरुआत है इस चैप्टर की, आज पहला इलस्ट्रेशन है। एक स्टेटमेंट क्लियर कर दो, क्रिएट कर दो, द कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा था, अर्निंग बिफोर, और ना ही डेप्रिसिएशन था और ना ही टैक्स। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, EBDT, इसको पूरा भी लिख सकते हैं, वैसे मैं पूरा ही लिख देती हूँ क्योंकि पहली बार है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एक एक ईयर का देखते हैं कितना दे रखा था, 45, 30, 25, 35। तो 45,000, 30,000, 25,000 और लास्ट 35,000। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कितना था, 25,000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 25,000। ठीक है ना, चाहो तो इसका आप एक अलग से वर्किंग नोट छोटा सा बना सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे,
45 में से 25, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 30 में से 25 गए 5,000, 25 में से 25 गए कुछ नहीं बचा, 35 में से 25 गए 10,000। ये क्या आया? पहले था अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन तो हट गया, अब बचा खाली टैक्स, तो ये बच जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब किसका करना है हमें? टैक्स का। पहले डी का करा था डेप्रिसिएशन, अब टी का करेंगे टैक्स का। तो टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स कितना था? एट द रेट 20%। तो 20,000 पे 20% याद है 4,000, 5,000 पे 20% आ गया 1,000, और 10,000 पे 20% 2,000। तो ये सबका टैक्स आ गया, ठीक है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ आएगा ही नहीं। 20 में से 4 गए 16,000, 16,000, 5 में से 1 गए 4,000, 10 में से 2 गए 8,000। अब इसमें हमारा डेप्रिसिएशन भी हो गया, टैक्स भी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इससे पहले ये क्या था? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स हट गया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? कैश फ्लो, कि कितना कैश फ्लो हुआ। अब अगर आप एक चीज़ देखो, तो जो डेप्रिसिएशन था वो नॉन टैक्स था। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक नॉन कैश था। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक नॉन कैश एक्सपेंस। तो उसको माइनस करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, आप मुझे बताओ। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो क्या उसे माइनस करना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे वापस से, तो ऐड बैक कर दो इसे। कितना था? 25,000, 25,000, 25, और ये आ गया 25। और अब हमारा जो आएगा, अब बिल्कुल सही आंसर आएगा, अब ये आएगा हमारा कैश फ्लोस, ठीक है। कैश फ्लोस कितने आए? इन दोनों को प्लस करना है, 5, 6, 11, और ये आ गया 41, 41,000, 65,000, 25,000, 8, 5, 13, यानी कि 33,000, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया जो उन्होंने मांगा था, कैश फ्लोस। अब किसी किसी के क्वेश्चन आ रहा होगा फिर से माइंड में, कि जब डेप्रिसिएशन हमें वापस से प्लस ही करना था, प्लस ही करना था, तो हमने माइनस क्यों किया? तो देखो, अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते ना, तो हमारा जो यहाँ पर टैक्स है वो ज़्यादा आता। और अगर आपको पता हो तो डेप्रिसिएशन तो अलाउड है, डेप्रिसिएशन एक बाकी की तरह एक्सपेंस है। हाँ, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस तो है। और जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो इनकम पे करते हैं, और उससे पहले हम सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस नहीं करते, तो फिर जो टैक्स लगता वो किस पे लगता? पूरे के पूरे 45,000 पर, ठीक है, पूरे के पूरे 45,000 पे। इसलिए हमने टैक्स को सही माइनस करने के लिए हमने पहले क्या किया? डेप्रिसिएशन को माइनस किया, उसके बाद टैक्स माइनस किया। अब हमारा जो टैक्स होगा वो बिल्कुल सही कैलकुलेट होगा, और उसके बाद हमें तो निकालना था कैश फ्लो, इसलिए हमें वापस से क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। ये बात किस किस के क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। सबको हो गई ना? तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए हमने वापस से इसे प्लस कर दिया, और पहले माइनस इसलिए किया था ताकि हमारा जो टैक्स है उसका कैलकुलेशन सही हो, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट करना अपने आज भी, ताकि एग्ज़ाम में भी ऐसा ही अपने आप प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस जैसी हम करेंगे हमारी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ साथ प्रेजेंट भी करते जाना, अपने हाथ चलाना, चाहे वो पेन में हो या फिर कैलसी में, दोनों के दोनों आपको ही करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही परफॉर्म करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड यार डू सब्सक्राइब नाउ। अब आपकी एफएम की सीरीज भी चलेगी, और साथ साथ एफएम, एसएम, एडवांस अकाउंट, और हो सकता है ग्रुप वन के भी सब्जेक्ट्स जल्दी ही आए।
तो इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।